हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे पास जो बैठे हैं हमारे मित्र सत्येंद्र कुमार हैं और इनका फाइनली एसएससी सीजीएल 2021 में सिलेक्शन हो गया है। और हम इनसे पूछेंगे आज कि इन्होंने अपनी पढ़ाई किस तरीके से की और किस तरीके से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखा। वन बाई वन हम पर ऑडियंस, मतलब जो हमारे मिलने वाले हैं, उनके क्वेश्चन आते रहे हैं तो उनके बारे में हम पूछेंगे इनसे। चलो स्टार्ट करते हैं। सत्येंद्र जी, आपने जो पढ़ाई शुरू की थी वो मतलब आपने जो पढ़ाई की थी वो किस तरीके से की थी, लेवल बताइए अपनी पढ़ाई का। देखिए, मैंने हिंदी मीडियम से ही अपना 10th किया है और अपना 12th मैंने इंग्लिश मीडियम से किया है, तो थोड़ा सा चेंज है मेरे में। यानी मैं 10th तक इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से था और देन मैंने मीडियम चेंज किया 12th क्लास में, तो थोड़ा सा उसमें मेरे को भी डिफ़िकल्टी आई और थोड़ी सी परेशानी थी कि मैं इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ पाऊँगा। बट मैंने उसको धीरे धीरे अडोप्ट किया, अपने आप को ढाला उसके हिसाब से और देन मैंने BSc की मैथ से। अभी उसके बाद BSc मैथ्स के बाद मेरे पास कई सारे चांस थे कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। यानी मैं इंजीनियरिंग कर सकता था BSc ना करके, मैं BTech करता या और भी चांस थे। बट मेरे को एक कुछ, आप भी जानते हैं, कुछ रिलेटिव से पता चलता है और कुछ आपके साइड वालों से पता चलता है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि एक SSC CGL भी कोई चीज़ होती है। मेरे को पता चला और मैंने उसके बारे में सोचा और समझा। जब मैंने, मेरे को लगा कि मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से नहीं, मतलब एक एवरेज आती है, जो मैंने BSc और अपने इंटर में भी अच्छे से प्रिपेयर की थी और उससे ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे को। मैथ्स मैं बैकग्राउंड से हूँ क्योंकि मैंने मैथ्स से ही इंटर किया है और मैथ्स से ही मैंने BSc किया, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि SSC CGL की प्रिपरेशन मुझे करनी चाहिए। अच्छे, एक बात बताइए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट हिंदी मीडियम था, तो क्या आपको इंग्लिश से डर नहीं लगा? देखिए, ऐसा है, मैंने थोड़ा सा अपने आप को हमेशा सोचा है कि अपने आप को ऐसा नहीं है कि मतलब एक बैकग्राउंड में ले जाना है या फिर बैक में ले जाना है। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप चाहते हैं कि आप कुछ बेहतर करें तो आपको कुछ बेहतर मेहनत भी करनी चाहिए। तो मेरे को यही था कि मेरे को लगा कि इंग्लिश की ज़रूरत है, इंग्लिश नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में हो या फिर कुछ भी लेवल हो आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं हिंदी को भी बेकार नहीं बताता, बट आपको ज़रूरत हो तो आपको इंग्लिश सीख लेनी चाहिए, बस यही था। तो मेरे को इंग्लिश की ज़रूरत लगी और मैंने उसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग अमरोहा से मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी KCG Academy, और उसके बाद मैंने ऑनलाइन कुछ टीचर्स की भी हेल्प लिया, जैसे गोपाल वर्मा, रानी मैम और एक्स्ट्रा टीचर्स, इन सभी की हेल्प और इन सभी के बहुत अच्छे मेरे इनके नोट्स जो मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, और उसके साथ तो जो वोकैबलरी से मैंने प्रैक्टिस की और वोकैबलरी को जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसके बाद मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को इंग्लिश की अब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और अभी है भी नहीं। तो अगर आप भी ये सब करते हैं, यानी आप स्टार्ट करते हैं, माइंड बना लेते हैं, स्टार्ट करने से पहले आपको बस ये रखना है कि मेरे को विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं मेहनत करूँगा तो सीख लूँगा। ये विश्वास रखने के बाद आप सीधे आ जाइए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आप किसी भी टीचर से पढ़ें या ना भी पढ़ें, अगर आपकी अच्छे से इंग्लिश है तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और इम्प्रूव करते करना ही जब आपको लगता है तो आपको, मुझे लगता नहीं कि कोई रोक पाएगा। आप थोड़ी और मेहनत करते हैं, फाइनली आप एक अच्छी इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने जैसे आपका स्कोर कार्ड देखा था कि आपके जो SSC CHSL का आपने एग्जाम दिया था उसमें Tier 1 में आपके मैथ में 50 में 50 थे, है ना, और SSC MTS में आपके 25 में से 25 थे, और जो आपका CGL Pre था उसमें से भी 50 में से लगभग 45-46 थे। आपने इतना मैथ अपना ग्रो कैसे किया? देखिए, मैथ्स एक, अगर आप अच्छे से पहले बैकग्राउंड में पढ़े हैं, यानी 10th में आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, या फिर आप मान लीजिए जैसे भी आपने मैथ्स पढ़ा है, बट एक आप लेवल अपना रखते हैं कि आप मैथ्स आपने इतना पढ़ा है, बट उसके बाद जब आप कंपटीशन में आते हैं तो आपको मैथ्स बिल्कुल डिफरेंट मिलता है। जो आपने 10th पढ़ा था, भले ही 10th पढ़ा हो, बट उतने हार्ड लेवल या फिर उस तरह का मैथ्स आपने नहीं पढ़ा होता जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आता है। आपको ना एक नई स्टार्ट करनी होती है, यानी एक नई जर्नी स्टार्ट करनी होती है या नए तरीके से मैथ्स स्टार्ट करना होता है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो मैंने किया, मैं वो बताता हूँ। मैंने सिंपली सबसे पहले एक क्रॉन पब्लिकेशन की, आप जानते हैं SSC की प्रीवियस ईयर मैथ्स है, और आप जानते हैं कि SSC के लिए प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने SSC की प्रीवियस ईयर मैथ्स की क्रॉन की पब्लिकेशन की बुक ली और साथ में ऑफलाइन जहाँ से कोचिंग की, तो उसके साथ में जैसे जो चैप्टर उस कोचिंग में चल रहा है वही मैंने अपने क्रॉन पब्लिकेशन की बुक से प्रिपेयर किया, यानी उसको प्रैक्टिस किया।
हर आप जानते हैं उसमें मतलब हर एक टाइप के सोशल क्वेश्चन जो कोचिंग में आप पढ़ाते थे उसी को रिवाइज करते थे बार बार। यस, उसी को जाके प्रैक्टिस करना था, उसी के 150 क्वेश्चन मैं खुद से करता था, एक चैप्टर के एक टॉपिक के 150 क्वेश्चन आप डेली करते थे। चैप्टर में तो करीब 500 से 600 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा अच्छा, किसी चैप्टर में कम। अच्छा, आपने रीजनिंग कैसे की थी? रीजनिंग के लिए कुछ ज़्यादा कुछ मैंने स्पेशली किया नहीं, मतलब मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है, वो भी मॉक टेस्ट फॉर्म में। जब मैं मॉक टेस्ट करता था तो मेरे को रीजनिंग वहाँ से अच्छे से हो गई, क्योंकि आप जानते हैं 2 से 3 चैप्टर होते हैं जिनको आपको अलग से पढ़ना होता है। रीजनिंग में SSC की रीजनिंग में 3-4 चैप्टर होते हैं जिनको अलग से पढ़ना होता है, जैसे आप नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर, थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस भी आप उन क्वेश्चंस की करें जो जस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे 21 वाला एग्ज़ाम मैंने दिया तो आप 20 के एग्ज़ाम की मैंने प्रैक्टिस की थी, यानी 20 में जो नंबर सीरीज और आपके मिसिंग नंबर या फिर थोड़ा सा ये फिगर एनालॉजी ये सब आए थे, बस उन्हीं को प्रैक्टिस किया था। और उससे पहले भी मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उनको प्रैक्टिस किया था, ज़्यादा स्पेसिफिक मैंने कोई कोर्स वर्स नहीं किया, बस ऐसे ही रैंडम। यानी कि अगर हम मैथ की अच्छे से तैयार करें तो रीजनिंग की ऐसी चलती रहेगी, प्रैक्टिस के अनुसार कर सकते हैं। हाँ अच्छा, ज़्यादा तो जैसे क्या एक्चुअली सभी क्वेश्चन सभी एस्पिरेंट का रहता है कि वो मैथ में, रीजनिंग में और GS में, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स खींच लेते हैं, है ना, लेकिन GS में उनके मार्क्स बहुत कम रहते हैं। तो आपने GS कैसे तैयार की या आपकी GS कैसी रही, जरा बताओगे? देखिए, होता क्या है, SSC 2021 तक आप जानते हैं कि GS सिर्फ टीयर फर्स्ट में आता था। टीयर फर्स्ट में GS आता था ओनली 25 questions 50 marks, तो मुझे लगता है उस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी GS की। बट अभी आप जानते हैं कि वो मेंस में भी आने लगा है तो इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, बट मेरे टाइम पर उतनी ज़्यादा थी नहीं। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जानते हैं जो भी मैथ उसके थे GS के, वो मैंने एक बार बुक से किए कम्प्लीट। उससे पहले मैंने चैप्टर वाइज मतलब या टैप वो सब्जेक्ट वाइज मैंने प्रिपेयर किया था, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। साइंस बैकग्राउंड से मैं था तो इसलिए मेरे को साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक बार पढ़ने के बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाया बुक से, देन आप जो भी एग्ज़ाम आता है उससे पहले 1 महीने या 2 महीने पहले आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं पूरे 1 ईयर का। तो बस इतना मैंने किया, मेरा स्कोर भी उतना ज़्यादा नहीं है GS में, बट इतना है कि क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप प्रिपरेशन जो करते थे, तैयारी करते समय आपको ऐसे भी होता होगा कि नींद भी आती होगी और घर की प्रॉब्लम भी होती होंगी, तो उनको आपने कैसे फेस किया? फ्रेंड्स, बहुत बार ना प्रिपरेशन करते करते हमको लगता है कि हमें 1 साल हो गया है या फिर हमारा टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, 2 साल हो गए हैं। मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो मैं क्वालिफिकेशन से भी पहले की थी, यानी मैं जब ओनली 17 ईयर का था, यानी मेरी एज भी नहीं थी और मेरे पास ग्रेजुएशन भी नहीं था, ग्रेजुएशन का मेरा 2nd ईयर था, तब मैंने प्रिपरेशन की थी। तो एक लंबा ड्यूरेशन होता है, आप जानते हैं ग्रेजुएशन पास करके यानी 2 साल ग्रेजुएशन क्वालिफाई करने में लगे, उसी वक्त मैं तैयारी भी कर रहा था। तो ये ना एक पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स भी लगता है कि ज़्यादा पढ़ता है बाकी चीज़ें नहीं करता है, बट ऐसा है कि आप एक विश्वास दिला देते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और ऑनेस्ट होके अपने आप से पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स भी उतना ज़्यादा टॉर्चर करते नहीं हैं, आपको पढ़ने देते हैं अच्छे से। बट आपकी प्रिपरेशन में अगर थोड़ी कमी है कि आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा उनको लग नहीं रहा है कि पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और आपको छोड़ना भी पड़ेगा। बट अगर आप ऑनेस्ट होके पढ़ते हैं तो पेरेंट्स आपका साथ देते हैं और आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से आपको कोऑपरेट करते हैं। मैंने अपने घर से भी प्रिपरेशन की है घर में रहकर, और उसके बाद मेरे को जैसे ज़रूरत लगी कि हाँ मुझे सेपरेट होके पढ़ना है तो मैंने रूम लेकर भी प्रैक्टिस या मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, रूम लेकर मैंने अलग से पढ़ाई की है। तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं, और आपको सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप रात को कैसे मैनेज करेंगे, यानी हम 10 घंटे पढ़ते हैं या 12 घंटे पढ़ते हैं, ये सब प्रॉब्लम रहती है। बट आपको ना एक बार आप करके देखिए, आपको एक आग लगती है ना जब आप सोचते हैं कि अब मेरे को ये कर लेना है यानी ये पा लेना है, तो आप ना 10 दिन या 8 दिन बस अपने आप को दुख दीजिए, अपने आप से अंदर से महसूस कराइए कि हाँ मैं कुछ करने वाला हूँ। तो उसके बाद 2, 10 या 15 दिन आप अलार्म लगाइए, अलार्म लगाने के बाद आप जेन्युइनली आपको चाहिए 46,000, 70,000 और 75,000 वाली सैलरी और आपको रेस्पेक्ट चाहिए, तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली और आपको कंसिस्टेंसी इतनी अच्छे से आएगी, क्योंकि आपको ना 2 चीज़ों का लालच होना चाहिए कि एक तो कि अगर मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ तो मेरी एज जा रही है, और मेरी एज जा रही है मतलब मेरी जवानी ख़राब जा रही है, तो उसको तो अच्छे से मैनेज करना है, और दूसरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, और दूसरा कि आपको एक लालच होना चाहिए कि कुछ दिन के बाद
एक मैं और मेरे जो साथ वाले हैं या फिर जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उनमें और मुझ में क्या डिफरेंस होगा? यानी मैं 70,000 या 75,000 कमा रहा हूँगा और जबकि वो सिर्फ 10,000 की नौकरी कर रहे होंगे। तो ये सब दो लालच आपको ना तो रात को सोने देंगे और ना ही आपको पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्ट होने देंगे। आप एकदम कंसिस्टेंट होके पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। बीच में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, घर वालों की प्रॉब्लम, घर को आना है, घर का काम है, वो सब थोड़ी थोड़ी आती रहती हैं, उनको मैनेज करना है अच्छे से, उनकी टेंशन नहीं लेना। अच्छा, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने SSC CGL 2021 में जो मतलब फाइनली आपका रिजल्ट आ गया है, तो उसमें आपको कौन सी पोस्ट मिली? पोस्ट की बात करेंगे तो मेरे को SSC CGL 2021 में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है। अच्छा। और इस बार वो पोस्ट मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट मिली है, तो मेरा कोई उससे पहले SSC से नाता नहीं था। मैंने CHSL दिया है, MTS भी दिया है। CHSL 2021 का देखिए, आप जानते हैं अभी DB भी है और MTS का रिजल्ट भी आ गया है। अच्छा, एक बात बताइए, बट मैं MTS का DB नहीं दिया हूँ। जो आप बता रहे हैं कि SSC CHSL का आपने क्वालिफाई कर दिया है, यस, तो आप क्या आप उसमें डिग्री देने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब CGL में क्वालिफाई हो जाता है तो आप जानते हैं कि CHSL में कोई भी डिग्री देने नहीं जाता है, और कोई लोग जा भी रहे हैं तो मुझे लगता है वो लोकेशन के लिए जा रहे होंगे, शायद मुझे लोकेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक पोस्ट एक आदमी के लिए मिले तो उसके घर का बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, उसके लिए एक खुशियाँ मिलती हैं, घर वालों को सिलेक्शन मिल जाता है, तो किसी की उम्मीद होती है। बिल्कुल। अच्छा, आपने 22 में फॉर्म भरा था और 22 का मेंस भी हो गया है आपका, तो उसमें मार्क्स कैसे हैं आपके? बेहतर होंगे आशा करें। तो आप उसमें कौन सी पोस्ट आपको अच्छी लगी है कि आप, क्योंकि आपकी तो जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट मिली है आपको इस बार में, तो आप चाहोगे कि इससे थोड़ी अपर लेवल की पोस्ट मिल सके, तो आप कौन सी पोस्ट लेना चाहोगे जो आपको इच्छा मतलब मन से हो अच्छी, हाँ मुझे ये पोस्ट मिलनी चाहिए? देखिए, मेरी जो फेवरेट पोस्ट है वो आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोगों की रहती है, मेरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फेवरेट पोस्ट है, बट मुझे लगता है कि 2021 में वो मेरे को मिली नहीं है, तो मैं उसी के लिए फिर से एग्ज़ाम दूंगा। 22 वाला मैंने दिया है, 22 वाले में आई होप कुछ हो बेहतर मिले पोस्ट, शायद इनकम टैक्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो दूसरी कोई ट्राई करेंगे, क्योंकि इतना कर सकते हैं बस कि अगर मेरे को 2800 ग्रेड पे से ज़्यादा की पोस्ट मिलती है, यानी जूनियर अकाउंटेंट से अच्छा ग्रेड पे मिलता है, तो मैं लूँगा, अदरवाइज मैं उसको पोस्ट को नहीं लूँगा। बट एट द एंड मेरे को एंड जो करना है SSC का, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट लेने के बाद ही करूँगा, उससे पहले नहीं करने वाला। चलिए, इसी के साथ हम अपनी वार्तालाप को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स, सभी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्द बहुत अच्छे से अच्छी पोस्ट पर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको SSC से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप उसमें कमेंट भी बता सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।